नमस्कार मित्रों, मैं फार्मासिस्ट दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा शराब के नशे के बारे में या शराब का नशा कैसे उतारना चाहिए, क्योंकि शराब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। लगभग 50% आबादी आज अल्कोहलिज्म अतिसुरापन की शिकार हो गई है। वो शराब छोड़ना भी चाह रही फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है अगर, तो हम कुछ ऐसे नुस्खे बताने वाले हैं आप लोगों को जो आपको शराब के नशा को उतारने में भी मदद करेगा और शराब को छोड़ने में भी मदद करेगा। अगर कोई व्यक्ति नशा बहुत ज़्यादा हो गया हो, वो जीवन मृत्यु के बीच में खेल रहा हो, तो उसे कैसे बचाएंगे। तो आइए जानते हैं शराब व्यक्ति पीता क्यों है। वो या तो सामाजिक कुछ बुरे लोगों के संपर्क में आता है तब पीता है, या तो उसके व्यक्ति में शरीर में सल्फर की कमी हो जाती है तब वो शराब की लत लग जाती है, वो शराब पीने की लालसा बढ़ जाती है, वो शराब पीता है। तो सल्फर की कमी को पूरा करिए और शराब पीना छूट जाएगा। तो आइए हम बताते हैं कि एथेनॉल, जिसको हम शराब बोलते हैं, जिसको हम अल्कोहल बोलते हैं, मदिरा बोलते हैं, दारू बोलते हैं, तमाम नामों से जानते हैं, अलग अलग ब्रांड के नामों से अलग अलग जगहों पे उपलब्ध है। अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से कैसे हमारे शरीर पर काम करती है। सबसे पहले जब हम शराब पीते हैं तो हमारे माउथ के जरिए पेट में पहुंचने के बाद लीवर में जाती है। लीवर एक हमारे शरीर का ऐसा ऑर्गन है, आप जहर खाइए चाहे अमृत खाइए चाहे कुछ भी खाइए, उसको तोड़ने का काम, कैटालाइज करने का काम, मेटाबोलाइट करने का काम, यानी कि ऑक्सीडाइज करने का काम, रिड्यूस करने का काम लीवर ही करता है, जिसको हम बायोकेमिकल फैक्ट्री भी कहते हैं। लीवर ही जहर को भी पचाता है, लीवर भी अच्छी चीज़ों को ही पचाने में मदद करता है। तो लीवर में अल्कोहल जब जाता है तो अल्कोहल एंजाइम के मदद से कन्वर्ट हो जाता है एसिटाल्डिहाइड में, और ये वही एसिटाल्डिहाइड में है जिसमें हम मरे हुए जंतुओं को प्रिजर्व करते हैं सड़ने से बचाने के लिए। लेकिन ये एसिटाल्डिहाइड हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जीते जी एसिटाल्डिहाइड हमारे शरीर में नहीं बनता, जब हम शराब पीते हैं तभी बनता है, और ये हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, क्योंकि ये यही एसिटाल्डिहाइड हमारे लीवर में इंजरी लाती है और फैटी लीवर की समस्या लाता है, लीवर फाइब्रोसिस लाता है, लीवर सिरोसिस लाता है। ये सबसे लास्ट स्टेज होती है लीवर सिरोसिस, शराब पीने के बाद पीते पीते व्यक्ति की समस्याएं बढ़ जाती हैं और लास्ट में लीवर एकदम सिकुड़ करके लीवर सिरोसिस जैसा बीमारी हो जाता है। तो कोशिश करें कि शराब ना पिए, और लीवर एब्सेस हो जाता है। लीवर एब्सेस, लीवर का फोड़ा उन लोगों को ज़्यादा होता है जो एल्कोहल में बिना पानी मिलाए पीते हैं। तो अल्कोहल में बिना पानी मिलाए तो एकदम दारू ना पीजिए या एकदम शराब ना पीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लीवर में फोड़ा हो जाएगा। आज युवाओं को और कम उम्र 40-45-35 साल के लोगों को भी लीवर एब्सेस हो रहा है, क्योंकि वो लोग बिना पानी का दारू पी रहे हैं, इसके वजह से बहुत समस्याएँ हो रही हैं। और एक चीज़, आप अगर दारू पी रहे हैं, जैसे आप अत्यधिक परिश्रम करके आए हैं, आपके शरीर से पूरा पानी निकल गया है, बहुत ज़्यादा पसीना हो गया, पानी निकल गया, तब भी आप दारू का सेवन ना करिए, क्योंकि हमारे किडनी पर जा कर के ये अल्कोहल ADH हार्मोन का सिक्रीशन करा देता है, डायुरेटिक हार्मोन होता है, पेशाब के फ्लो को बढ़ा देता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसमें आपके मौत होने का खतरा रहेगा, आपकी BP बैठने का खतरा रहेगा और किडनी फेल्योर जैसी समस्या रहेगी। तो कोशिश करिए आप अत्यधिक परिश्रम करके आइए, तो दारू बिल्कुल भी ना पीजिए या शराब बिल्कुल भी ना पीजिए, क्योंकि ये और ज़्यादा पानी को बाहर निकाल देगा शरीर से, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो आपकी मौत तक हो सकती है। तो ये विशेष ध्यान रखें। तो लीवर पीने के वजह से, शराब पीने की वजह से लीवर की भयंकर बीमारी होती है, यानी एक शराब आपके शरीर में लीवर इंजरी भी ला सकती है, फैटी लीवर भी ला सकती है, लीवर फाइब्रोसिस भी ला सकती है, लीवर सिरोसिस भी ला सकती है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए शराब ना पीजिए। अगर आपको शराब पीते पीते लत लग गई है तो आइए हम बताते हैं कुछ ऐसे नुस्खे जो आप शराब की लत से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कुछ आयुर्वेद के नुस्खे। अगर आप शराब पी लिए हैं और आपको नशा हो गया है तो उस केस में आप क्या करेंगे, नींबू और पानी का सेवन करिए। ये नींबू और पानी आपके शराब के नशे को कम करता है। अगर आप नींबू और पानी नहीं पा रहे हैं तो 2 सेब का जूस निकालिए और उस पेशेंट को या फिर उस शराबी व्यक्ति को पिला दीजिए जो शराब पिया हो। उससे फ़ायदा क्या होगा
कि उसका नशा धीरे धीरे उतर जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग दारू इतना ज़्यादा पी लेते हैं कि उनको जान का खतरा हो जाता है, एकदम लार बार हो जाते हैं, शरीर एकदम काम नहीं करता, ब्रेन एकदम काम नहीं करता, क्योंकि हम जब शराब पी लेते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ स्लो काम करता है, क्योंकि ब्रेन पे हमारे नर्वस सिस्टम पे ऐसा इफेक्ट डालता है कि कोई चीज़ अगर दूर है तो वो बहुत पास दिखती है, ऐसा हो जाता है, कन्वर्जन का आदमी शिकार हो जाता है। तो अगर जिसे जान का खतरा हो तो कुछ ना करिए, 25 ग्राम देसी घी लीजिए, उसमें 25 ग्राम पीसी हुई मिश्री या पीसी हुई चीनी मिला करके चटाइए, तो उसके जान का जो खतरा है शराब पीने की वजह से वो नॉर्मल हो जाएगा। उसके सर पे ठंडा पानी डालिए और अमरूद खिलाइए, पीसा हुआ धनिया शक्कर के साथ दीजिए, तो उसके जान का जो खतरा है वो टल जाएगा। बहुत ज़्यादा कोई अगर शराब पी लिया हो तो यही करिए। इसके अलावा अगर आप को दारू छुड़ाना है तो आयुर्वेद की कुछ चीज़ें हैं, हम बताते हैं आपको। सेब का रस, दो सेब का रस सुबह शाम अगर रोज़ आप लेते हैं तो सेब का रस लेने से आपका दारू छूट जाएगा। इसके साथ साथ अगर खाने के बाद अगर आप सेब का सेवन करते हैं तब भी आपका दारू छूट जाएगा। ऐसा आपको 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक प्रोसेस करनी होगी। तो सेब का या तो सिरका पीजिए, या तो सेब का जूस पीजिए, या तो सेब को ही 2-3 महीने तक लगातार खूब खाइए, तो आपकी दारू छूट जाएगी। जो आप बार बार अल्कोहलिज्म अतिसुरापन का शिकार हो गया है वो आदत आपकी छूट जाएगी। दूसरा है, अगर आप सेब को उबाल करके दिन भर में 3 से 4 बार सेवन करते हैं, उबला हुआ सेब सेवन करते हैं, तभी आपकी शराब छूट जाएगी। इसके अलावा है, 500 ग्राम अजवाइन अगर आप लीजिए, उसको 5 लीटर पानी में कच्चे बर्तन में 48 घंटे तक भिगो लीजिए। इसके बाद भिगोने के बाद उस अजवाइन के पानी सहित उसको इतना उबालिए कि 1/4 हिस्सा पानी रह जाए। तो पानी रहने के बाद उस पानी को जब शराब की आपको लत लगे, लालसा लगे, तो आप शराब की तरह अजवाइन के रस को, अजवाइन के जूस को 5-5 चम्मच सुबह शाम पीते हैं तो भी 4 से 5 हफ्तों में आपके शराब की पूरी लत ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुछ नुस्खे हैं जो आपको आयुर्वेद में शराब की लत छुड़ाने के लिए बहुत ही बेहतर हैं। आइए हम बताते हैं कुछ होम्योपैथ के नुस्खे जो आपके शराब के नशे उतारने में भी काफ़ी कारगर हैं और जो आप आदती हो गए हैं आदत छुड़ाने में भी काफ़ी कारगर हैं। तो हमारे पास दवा है एसिड सल्फ क्यू, एक ऐसी दवा है, हमने बताया है कि जिस व्यक्ति में सल्फर की कमी हो जाती है वो व्यक्ति शराबी बन जाता है या शराब के प्रति उसकी लालसा बढ़ जाती है। तो इसमें सल्फर की मात्रा है प्लस एसिड की मात्रा, ये होम्योपैथ की दवा है एसिड सल्फ क्यू, एक मदर टिंचर होता है होम्योपैथ में। अगर आप इसकी 5-5 बूंद एक खुराक दिन भर में 3 से 4 बार देते हैं शराबी को, तो उसके जो शराब पीने की इच्छा है वो कम हो जाएगी। ये दवा काफ़ी बेहतर है, इस दवा से हमने बहुत सारे पेशेंट्स का शराब छुड़ाया है, तो आप इसको छुड़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसे पिलाने पर पेशेंट को ओमिटिंग होती है, जब वो शराब पी लेता है और ये दवा पिलाई जाए तो ये दवा ओमिटिंग करा देती है। तो बिना शराबी को बताइए आप दवा दीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में दीजिए, पानी में डाल करके दे सकते हैं पता ना चले, या फिर उस मरीज को ये बता के दीजिए कि आपको हम शराब छुड़ाने की दवा दे तो रहे हैं लेकिन आपको दारू नहीं पीना है, अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो इस दवा का मदद लीजिए, आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, आपका जो आर्थिक व्यय बहुत ज़्यादा शराब के तौर पर पीने पर हो रहा है, परिवार में धन की कमी हो जा रही है, तो ये उसमें बहुत बेहतर काम करता है। क्योंकि समाज में जो शराब लोग पीते हैं उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनका सामाजिक स्तर गिर जाता है, घर में खाने की कमी हो जाती है, वो बर्तन बेचने लगते हैं, इतने ज़्यादा मदिरापन के शिकार हो जाते हैं, उनके घर की स्थिति खराब हो जाती है। तो मैं आप सभी लोगों से, एक हेल्थ एडवाइज़र होने के नाते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग शराब ना पिएं। अगर आपको इसकी लत लग गई है तो आप इसको छोड़ने का पूरा प्रयास करिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9151668336। अगर आप कोई भी कंसल्ट करना चाहते हैं किसी भी दवा के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे शराब छोड़ने में, छुड़ावाने में बहुत मदद करेंगे और आप पूरी तरीके से स्वस्थ और बेहतर हो जाएंगे। दूसरी दवा हमारे पास है स्टेक्लेरिया एक्यूमिनाटा क्यू। स्टेक्लेरिया एक्यूमिनाटा क्यू ये भी एक ऐसी दवा जो शराब पीने की लालसा को कम करती है।
इसको 10-10 बूंद की मात्रा अगर पानी में देते हैं दिन भर में 3 से 4 बार, तभी ये शराब पीने की लालसा को कम करती है। और भी दवाएं होम्योपैथ में हैं। एक है सल्फर 200 पावर में, ये उस व्यक्ति के लिए अच्छा है जो प्रबल इच्छा रखता हो शराब पीने के लिए। उसको उठ सुबह 200 पावर की मात्रा, या हमारे पास 30 पावर की मात्रा, 200 पावर की मात्रा सल्फर की अगर उठ सुबह यानी प्रातः काल सल्फर अगर दे दिया जाए तो ये उसे शराब पीने की लत से दूर रखेगा, वो व्यक्ति शराबी नहीं बनेगा। और भी दवाइयां हैं जैसे चाइना ऑफ क्यू हैं, ये भी शराब की लत को दूर करती है, उन शराबी अल्कोहल की लालसा को समाप्त करती है जो सुधरना चाह रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है। चाइना ऑफ क्यू 10 बूंद की मात्रा दिन भर में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं, भी एक मदर टिंचर है। इसके अलावा सिफ्लिनम 1 mg है। कभी कभी होता क्या है कि 1 माह में 1 खुराक ही दिया जाता है सिफ्लिनम 1 mg को। यह वंशाग्रति प्रवृत्ति को सुधारता है, यानी कि किसी का पिता अगर शराबी है, उसका लड़का भी शराबी है, फिर उसका भी लड़का शराबी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा हो, तो आप सिफ्लिनम 1 mg की मात्रा 1 माह में सिर्फ 1 खुराक पिलाइए, तो ये चीज़ें सुधार आएंगी, वो शराबपन के शिकार से बनेगा, बचेगा, तो वो स्वस्थ और बेहतर होगा। और भी दवाएं हैं, साइलिसिया है, सीपिया है, और चाइना ऑफ क्यू है, एसिड सल्फ क्यू है, ये सारी दवाइयां होम्योपैथ की बहुत बेहतर काम करती हैं। अगर आप इन सब दवाओं को मंगाना चाहते हैं, आज शराब छोड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो हम आपको पूरी मदद करेंगे, दवा भेजेंगे और कैसे लेना है ये सारी चीज़ें बताएँगे। और एक काम करना है शराब पीने वाले व्यक्ति को जो छोड़ना चाह रहे हैं, अनुलोम विलोम करना है, यानी कि दाहिनी नाक बंद करके बाएं नाक से सांस लेना है, बाएं नाक बंद करके दाहिनी नाक से सांस लेना है। दिन भर में 3-4 बार अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो मजबूत हो जाएगा, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप शराब नहीं पियेंगे। और एक छोटा सा नुस्खा है, नींबू के रस में अगर अदरक को भिगो करके सेंधा नमक लगा करके अगर उसको चूसा जाए दिन भर, तो भी शराब की लत या गुटके की लत या तंबाकू की लत आपको लगती है तो भी आप पूरी तरीके से उस की लत से बाहर हो जाएंगे। ऐसा आपको 2-3 महीने तक करना पड़ेगा और आपकी शराब की लत छूट जाएगी, तंबाकू की लत छूट जाएगी, जो आप सुरती खाते हैं वो भी छूट जाएगा। और एक चीज़ है कि विदेशी शराब क्यों ज़्यादा पीते हैं, भारत के लोग भी पीते हैं, क्योंकि हमारा समाज विदेशियों की नकल करता है। नकल इस वजह से करता है क्योंकि सोचता है कि शराब हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बता दूं भारतीयों की जो जलवायु है, जहां हमारा भारत बसता है, भारत की जलवायु गर्म जलवायु है, इसलिए यहां आपकी पेट की अग्नि बहुत तेज होती है, खाना पचाने के लिए यही काफ़ी होता है। तो कोशिश करिए आप एल्कोहल ना पीजिए, क्योंकि एल्कोहल जब एल्कोहल से एसिटल डिहाइड में बदलता है तो वो पचता नहीं है, बस वो आपके शरीर की गर्मी को बढ़ा देता है। शरीर की गर्मी को बढ़ाने के बाद आपका शरीर और गर्म हो जाता है, आपकी पेट की अग्नि और तेज हो जाती है, तो हमारा खाना पस्त हो जाता है, लेकिन वो गर्मी हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, आपके ललाट पर पसीने आते हैं, चेहरे पे पसीने आते हैं, और वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो जाता है। गर्मी के मौसम में एल्कोहल पीने वालों को अपच हो जाता है, उमटिंग होती है, तमाम समस्याएँ आती हैं, तो एल्कोहल आप ना पीजिए। एल्कोहल विदेशियों के लिए, ठंडे प्रदेशों के लिए वालों के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वहाँ जलवायु ठंडी होती है, उनके शरीर को गर्म रखने के लिए, उनके पाचन शक्ति को सुधारने के लिए, उनके खाने को पचाने के लिए वहाँ अल्कोहल पीना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनकी जो अग्नि होती, पेट अग्नि होती है, वो मंदग्नि होती है, यानी पेट की जो अग्नि होती कम होती है, वो खाना नहीं पचा पाते हैं, इस वजह से वो अल्कोहल पीते हैं खाना पचने के लिए। लेकिन हम भारतीयों की पेट की अग्नि तेज होती है, खाना पचने में बहुत अच्छा होती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए आप अल्कोहल पियेंगे तो पेट की अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, हाइपर एसिडिटी हो जाएगी तो तमाम समस्याएं पैदा होगी, अल्सर होगा, आपके पेट में छाले पड़ जाएंगे और आपका फैटी लीवर हो जाएगा, तमाम समस्याएं आएंगी। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग दारू या शराब ना पिए, उससे नशा से मुक्ति चाहते हो तो हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए ताकि हम हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।